वेलकम दोस्तों, हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। विक्रम वेदा रिलीज हो गई, लोगों ने सैंडबॉक्स उसको जाके देखा है, लोगों की क्या राय है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अमिताभ साहब की एक मूवी आई थी डॉन, वही मूवी का रीमेक बना, शाहरुख खान ने भी डॉन का किरदार किया। कहानी ये थी कि डॉन एक बहुत बड़ा मुजरिम था, उसके साथियों के पास कुछ राज थे, डॉन मर जाता है, फिर उसका एक हमशक्ल ढूंढा जाता है और उसके हमशक्ल को जो है ट्रेनिंग दी जाती है डॉन की, ताकि वो डॉन के साथियों के पास जाके वो राज निकाल सके। पुरानी वाली मूवी में एक डायरी थी लाल रंग की, शाहरुख खान वाली डॉन में एक डिस्क थी। अब आप कहेंगे मैं ये क्या कर रहा हूं, तो यही हुआ है दोस्तों। ऐसा लग रहा है वेदा का कैरेक्टर दिखा के ऋतिक रोशन को कहा गया है कि आपने वेदा का किरदार ऐसे अदा करना है। पूरी फिल्म सेम टू सेम कॉपी है, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। यहां तक कि सालन में निवाला भी 3 दफा डुबो के खाया गया है, इससे ज्यादा कॉपी क्या हो सकती है। किस हर सीन, हर मंजर, यहां तक के फाइट सीन भी सेम वही है। कंटेनर यार्ड पे जो लड़ाई है उसमें जब सैफ अली खान ऋतिक रोशन को मारता है और कंटेनर को छालता है, तो हल्के हल्के सर हिलाते हुए जो ऋतिक रोशन गिरा है वो बिल्कुल वही अंदाज है जैसा कि विक्रम वेदा में वेदा गिरा था। कहीं कोई फर्क नहीं महसूस होगा। हाँ, कुछ फर्क भी हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन बहरहाल ये विक्रम वेदा सिर्फ इतना फर्क है कि आपको लगेगा आर माधवन की जगह सैफ अली खान का चेहरा लगा दिया गया है और विजय की जगह ऋतिक रोशन का चेहरा लगा दिया गया है। पुराना शिकारी नया जाल लाया है, नया कुछ नहीं है, आपकी मर्जी। अब मैं आपको इसके कुछ फर्क बता देता हूं। उसके बाल बहुत अच्छे से बने होते थे और उसकी जो दाढ़ी थी वो बनी हुई होती थी, जबकि ऋतिक रोशन वाले वेदा में बाल बिखरे हुए हैं और दाढ़ी उलझी हुई है। ये फर्क करके ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को एक नया गेटअप देने की कोशिश की है। 80s की फिल्मों में होता था कि हीरो जो है काला चश्मा और दाढ़ी लगा के जब हीरोइन के सामने आता था तो पूरे सिनेमा को पता चल जाता था कि यह अमिताभ है, लेकिन रेखा को ही नहीं पता चलता था कि यह अमिताभ है। बिल्कुल इसी तरह से वेदा के किरदार को चेंज करने के लिए सिवाय कंगी के और कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, एक और फर्क भी है। 2017 वाली विक्रम वेदा में जो है वेदा के भाई की जो दोस्त थी वो थोड़ी ज्यादा उम्र वाली थी, जबकि इस बार जो है वेदा के भाई की जो दोस्त है वो थोड़ी सी यंग है, राधिका आप्टे ने। राधिका आप्टे ने विक्रम की बीवी का किरदार अदा किया है और वो तकरीबन वही है जो पुरानी विक्रम वेदा में था। अगर किसी ने कुछ अलग करने की कोशिश की है तो वो सैफ अली खान है। सैफ अली खान ने तांडव वाले अंदाज में इसमें भी थोड़ा सा बिहार के अंदाज में बोलने की कोशिश की है। उसके अलावा तो हमें इस फिल्म में कोई फर्क नजर नहीं आया है। हाँ, जिन्होंने तमिल मूवी नहीं देखी, जिन्होंने तमिल मूवी का हिंदी डब वर्जन नहीं देखा है, उनके लिए ये एक क्लासिक होगी, उनको बहुत मजा आएगा। हीरो है, विलन है, फाइट है, सब कुछ है, लेकिन जिन्होंने विक्रम वेदा पहले देखी हुई है उनको बहुत मायूसी होगी, क्योंकि बहरहाल ये वाली विक्रम वेदा 2017 वाली विक्रम वेदा से किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। ऋतिक रोशन ने अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन कुछ नया नहीं है। हाँ, एक और चीज तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि इस दफा वेदा जो है वो ऋतिक रोशन है, तो डायरेक्टर ने 2 अदद गाने भी डाल दिए हैं। अल्कोहलिक आप सुन चुके हैं, डांस भी देख चुके हैं, शायद ये भी कुछ फर्क है। मैं बॉलीवुड वालों से कहूंगा, जहां आप इतने 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनाते हैं, फिर कहूंगा 10-12 करोड़ रुपए की स्टोरी, नया आइडिया, स्क्रिप्ट भी लिखवा लें, तमिल मूवीज का रीमेक बनाएं तो उसको कुछ फ्रेश कर लें, उसको कुछ चेंज कर लें, जिस तरह से अग्निपथ और अग्निपथ थी, या आज मैंने आपको डॉन के बारे में बताया कि दोनों डॉन को देखते हुए आपको लगेगा कि 2 अलग अलग फिल्में हैं। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि दोनों के रिलीज में बहुत फर्क है। उस जमाने की फिल्में 1 या 2 दफा देख लेते थे, अब तो यूट्यूब पे जैसे ही पता चला कि ऋतिक रोशन की नई आने वाली फिल्म तमिल फिल्म की नकल है तो लोगों ने विक्रम वेदा देख ली। सबकी मेमोरी में अभी भी महफूज है, जैसे मेरे मेमोरी में फिल्म महफूज है, तो मुझे इस फिल्म को देखते हुए हर लम्हे और हर मंजर में यही कुछ याद आया कि ये वही विक्रम वेदा है, कुछ फर्क नहीं है। गुड लक, लेकिन मेरे ख्याल में ये मूवी ज्यादा नहीं बिजनेस कर पाएगी। वैसे भी एडवांस कलेक्शन तो पहले भी इसकी लो थी और अब माउथ पब्लिसिटी में जो लोग बाहर निकलेंगे और वो इसको यकीनन पुरानी विक्रम वेदा से मैच करेंगे और उसके बाद शायद आने वाले दिनों में ये फिल्म वो बिजनेस ना कर पाए जो के इसके बनाने वालों ने सोचा होगा। लेकिन बहरहाल फिल्म बननी चाहिए, लेकिन फिल्म बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि आजकल टिकट बहुत महंगा हो गया है। बॉस, मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।